हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू भुसीम ब्लॉग। वेलकम है गाइस मेरे चैनल पर आप सभी का। और जैसे कि आप लोगों को पता ही लग गया होगा लास्ट व्लॉग देखने पर कि मैं हूँ कैंची धाम में, तो जय नीम करौली बाबा जी की। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। एंड देख सकते हैं मैं पी रही हूँ चाय जो कि मैंने खुद बनाई है। यहाँ पर केटल दी हुई थी तो यहाँ पर डाला बस थोड़ा सा पानी और दूध का पाउच, और ये मैंने टी बैग डाल के इसमें, तो अभी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि कल रात से बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। जब हम डिनर करके आए बाहर से तो इतने थके हुए थे कि आके हम सो गए, बल्कि मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया अच्छे से। तो जाइएगा वो व्लॉग जरूर देखिएगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बस मैं नहा चुकी हूँ, वेग जी हो रहे हैं रेडी, तो हाल फिलहाल अभी मैं और वेग जी जा रहे हैं मंदिर में आरती अटेंड करने, क्योंकि कल हमने प्रसाद नहीं लिया था, प्रसाद आज लेके चढ़ाएंगे। तो बस फटाफट से होते हैं रेडी चाय पीने के बाद, मिलते हैं आपको उसके बाद। तो गाइस सुबह का व्यू दिखा दूं मैं आप लोगों को, हल्की हल्की अभी बारिश हो रही है क्योंकि सुबह तो बहुत तेज हो रही थी, ड्रिजलिंग सी हो रही है। देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू। गाइस बस अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ और मॉर्निंग व्यू सुबह के बच्चों के साथ। तो गाइज यहाँ पर हमको भैया मिल गए और वेग जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हम कैसे पहुँचे यहाँ तक। तो गाइज ये है मंदिर का व्यू और ये है शिप्रा नदी। कहते एक बार लंगर हो रहा था तो यहाँ पर जो लंगर में घी कम पड़ गया था और लाने में देरी हो रही थी, तो जो खाना बनाने वाले वो बाबा जी के पास गए। उन्होंने पूछा तो बाबा जी ने बोला कि एक टीन भर कर पानी का ले आओ, जब इसमें खाने में डालोगे तो वो घी का काम करेगा, और जब आप लोगों का इंतज़ाम हो जाएगा घी का तो वो घी इस नदी में डाल देना, वो पानी बन जाएगा। तो ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो हुए हैं, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फिर से भैया से बात कर रहे हैं, वेग जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे मतलब पहुँचे, और वो अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, अपने व्लॉग में डालेंगे। तो बस मैंने लिया बाहर का व्यू क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। ये है सामने वैष्णो देवी का मंदिर, माता वैष्णो देवी जी का मंदिर, और सामने है बाबा जी की मूर्ति जो वाइट कलर का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं भक्त। और सामने जो है सिद्धि माँ का मंदिर है, जो कि पूरी कहानी आप भैया के भैया जो हैं बने हुए हमारे साथ व्लॉग में वो बताएंगे, उनके थ्रू आप पूरी कहानी सुनेंगे। और मंदिर के बाहर ऐसे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर आप अपना सामान ले सकते हैं, कंबल है दान कर सकते हैं। फिर हम वापस आए रूम पर, हमने किया ब्रेकफास्ट, यहाँ पर रेडी था ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद हमने किया चेकआउट, उसके बाद से हमें मिल गए भैया। तो गाइज अभी हम मिल चुके हैं भैया से, जिस घड़ी का हम वेट कर रहे थे वो भैया हमको मिल गए हैं। एक्चुअली हम सुबह मंदिर गए, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया ही है कि मंदिर में भैया अपना व्लॉग शूट कर रहे थे और वहाँ पर हमको मिल गए। तो अभी हम इनकी गाड़ी में हैं और हम जा रहे हैं, भैया हमको घुमा रहे हैं क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, तो भैया बताएंगे हमको। बताइए भैया, आज हम घूमेंगे नैनीताल, हनुमानगढ़ी, भूमियाधार मंदिर, नैना देवी टेम्पल, बोटिंग, माल रोड। बोटिंग करनी है? बोटिंग करनी है? नहीं। अरे मैं करूंगा। आपके रूम से का नाम क्या बताइए जी? मेरा 100 माइल, द 100 माइल्स, अपना निगलाट में पड़ता है द 100 माइल से। बाकी वेलकम सभी के लिए, आप लोगों के लिए भी है और जितने भी मेरे को देख रहे हैं उनके लिए भी वेलकम। तो गाइज अभी हम पहले वाला होटल छोड़ चुके हैं, अब हम नीचे आए हैं। 100 माइल्स एक होटल है, रूम बुक किया है हमने यहाँ पर, और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ भैया हैं, तो ये वाले भैया नहीं ये वाले भैया नहीं, रंगीला सौदागर भैया जी हैं हमारे साथ। तो अब हम उनके साथ पूरा घूमेंगे, वही हमें आगे जो चीज़ है यहाँ फेमस है, पॉइंट है, वो दिखाएंगे। तो बनिए रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। मैं कह रहा था कि जब मैंने पहली बार जब बाबा जी के बारे में सुना तो आपके थ्रू ही सुना था। अच्छा। आपके वीडियोस खूब सारे देखे, फिर बीच में दस्तक मीडिया वाले वीडियोस भी देखे। अच्छा। और भी मतलब जहाँ जहाँ पे भी शम्स जो है आज तक से जो न्यूज़ रिपोर्टर, उन्होंने भी बाबा जी के बारे में रिपोर्टिंग करी थी। अच्छा। वो भी सुना, और ये जकरबर्ग वाली कहानी तो मुझे मैंने सुनी थी ये, क्योंकि जब मोदी जी के साथ इनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बात बोली थी, उस टाइम भी बहुत बड़ा न्यूज में आया था ये वाला चीज। तो अभी जब ये रिसेंट की बात है, मतलब जब आदमी परेशान होता है तो होता ना धर्म कर्म की तरफ जुड़ता है, बड़ी दिक्कतें चल रही थी जिंदगी में, चल रही है अभी भी, कोई खत्म नहीं हुई है मतलब।
जैसे होता ना कि मेंटली पीस। यार सबसे बड़ी चीज मैंने क्या देखी बताया, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों का जो परिवार है ना वो सॉलिड है, वही सॉलिड होना चाहिए भैया, वही कसम से समझाता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है ये चीज, किसी ने हाथ पकड़ा हो ना, पर कोई साम जरूरी नहीं कि यार कोई साला कहीं से पैसे नहीं आ रहे, कहीं से वो नहीं आ रहे, एक दिलासा देने वाला हो ना, सबसे खुशी की बात वो होती है। वो हमारे केस में है सच बताऊं तो, क्योंकि कभी कभी होता है ना जैसे आप हर टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। हाँ। और बीच में वो एक पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि कोई चीज शेयर करनी है, तो कोई पीछे से ऐसे हो कि कोई बात नहीं, डोंट वरी मैं हूँ। हाँ। तो वो हमारे केस में क्या है कि कभी ये जब होते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि कोई बात नहीं हो जाएगा, और जब कभी मैं हो जाती हूँ तो ये बोलते हैं डोंट वरी हो जाएगा, तो हम एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली हमारा मैं अपना थोड़ा सा बता रही हूँ कि हम लोग लॉकडाउन के टाइम से थोड़ा सा बहुत ही परेशान है, मतलब चल ही रहे हैं अभी, हमारा जो जैसे होता है ना स्ट्रगल खत्म होने में नहीं आ रहा है, वो चल रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ, पहले तो हम इकट्ठे ही रहते थे दिल्ली में, बट आफ्टर जब मतलब लॉकडाउन आया तो उसमें क्या हुआ, मैंने अपने पापा को खो दिया, पापा चले गए उसमें। उसके बाद तो मेरी लाइफ जैसे होता है ना कि बिल्कुल ही जो लाइफ में डाउनफॉल होता है यार, बिल्कुल ख़त्म वाली चीज़ आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में मालिक ने बहुत सपोर्ट भी किया, चीज़ें संभली भी, लेकिन वो जैसे होता है ना कि लाइफ का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कई बार विश्वास भी टूट जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कई बार लगता है कि यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम इतना मतलब कोई ऐसे कोई पाप भी नहीं करते, जो जैसे मतलब बोलते हैं हम वैसे ही कर देते हैं, क्यों हमारे साथ ही क्यों है। बट जैसे पूछते हैं ना अपने बड़ों से भी, या बोलते हैं उसमें भी कोई आपका भला ही होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा, कि आपको एक जिंदगी सबक देती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप उससे भी सीख लेते हो कि आप जैसे होता है कि क्या होगा आगे उस चीज को लेकर। तो अभी वो चीज़ हमारे लिए चल रही है, तो हम एक स्ट्रगलर हैं, जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बीच में गिरते भी हैं, टूट भी जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, वो चीज़ चल रही है हमारे लिए। तुम टूटने वाले लग रहे हो। नहीं टूटना है अंदर से, नहीं मुझे बताना मैं कैसी हूँ, बट शो नहीं होने देती मैं किसी को कि अंदर क्या चल रहा है क्या चीज़ नहीं है, वो है। बाकी सपनों में दर्शन बाबा जी के तो एक बार हल्की सी पिटी थी मुझे, मुझे नहीं आए हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरा ऐसा था कि मैं बाबा जी का राम धुनी है ना, हाँ, तो उसमें वो सिमरन लगा के सो जाता था। अच्छा। कि सोने के टाइम पे सिमरन लगा लिया, हनुमान चालीसा लगा ली और ये सारी चीजें सुन के सोता था। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे सपने में दर्शन होते तो जैसे आँख खुलती तो वो राम चल रहा होता, तो वही चल रहा था, इल्यूजन ही होता है, सपना होता क्या है, एक इल्यूजन ही होता। तो मुझे उस तरह का मुझे रहा कि जैसे आँख खुली वो राम धुनी की था मैं, या हनुमान चालीसा ही चल रही थी, मैं उसी में था। आज पहली बार आ रहे हो क्या चिदाम? बिल्कुल। कुछ अनुभव कैसा लगा? बहुत सुकून मिल रहा है मंदिर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर और ठहर जाऊं, और ऐसा लगा था कि कल रोने लगे थे मंदिर में, मेरे आज भी आंसू निकल गए थे। एक्चुअली सुबह आरती के बाद जब मैंने वहां पर जैसे होता ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं झोली फैला के खड़ी थी ऐसे, अपना दुपट्टा मैंने ऐसे लिया था कि मैं अंदर से मतलब अभी तो उससे बोला भी नहीं जा रहा है, बहुत चमत्कार, बहुत चीजें ऐसी हुई, बट वो सेम चीज की स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा कि कितना लड़ेगा एक इंसान, कभी ना कभी तो चीज होती है ना कि यार नहीं अब बस, अब थोड़ा वो दुख वाली चीजें जो कर रहे हैं तो खत्म होनी चाहिए। तो गाइस अभी हम आए हैं हनुमान गढ़ी मंदिर में, जो बाबा जी ने पहला मंदिर स्थापित किया था। अब हम 2-4 मिनट के लिए भैया से बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं अभी आ रहा हूँ नैनीताल से कैंची धाम की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका ढेर सारा धन्यवाद परी विजय की तरफ से, जो आपने इतना प्यार हम दोनों को दिया, इतना सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। तब दीदी ने पूछा है कि यार किस तरीके से पूरा यहाँ का जो रोटेशन चलता है, कहाँ घूमा जाता है, कैसे, और सबसे पहले बाबा जी कब आए थे, क्या हुआ था, बाबा जी के बारे में संक्षिप्त में संपूर्ण जानकारी तो मैं आपको आज वो बताने जाने वाला हूँ। और जितनी बातें मैं बताऊँगा मैंने भी यहाँ से सब सुनी है,
खुशी कोई शांति दूसरे रूप में इन सब चीज़ों को बता सकता है। तो दोस्तों बाबा जी नीब करौदी बाबा जी कैची धाम आप सभी जानते हैं, मन की मुरादें किस्मत बदलने वाले बाबा, कम्बल वाले बाबा, बहुत सारे नाम हैं इनके। लक्ष्मण प्रसाद बचपन का नाम लक्ष्मण प्रसाद था, 1900 में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम कौशल्या देवी, पिता का नाम दुर्ग नारायण शर्मा और बचपन का नाम मैं बता चुका हूँ लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। 8 साल की उम्र में माता जी का देहांत हुआ था, पिताजी ने उसके बाद गाँव वालों के कहने पर, बच्चे छोटे थे तो दूसरा विवाह किया। फिर 11 साल की उम्र में बाबा जी का भी विवाह हो गया था, पत्नी का नाम राम बेटी था। फरुखाबाद में आज राम बेटी के नाम से एक स्कूल है, पत्नी के नाम से इनका स्कूल है, आप वहाँ जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उसके बाद पिता बाबा जी ने घर त्याग दिया था और बवनिया गुजरात में मोरबी के पास में पहला मंदिर बाबा जी ने बनाया और वहाँ बाबा जी ने पानी में बैठ के तपस्या किया करते थे। और जब कोई भक्त लोग आते थे तो पानी में हाथ डाल के किसी को रुपये दे दिया करते थे, किसी को जलेबी दे दिया करते थे, किसी को कुछ दे दिया करते थे। इस तरीके से उनकी रोज की दिनचर्या, तो इस तरीके से ख्याति बढ़ने लगी और बाबा जी का नाम और ज़्यादा बढ़ने लग गया। तलैया वाले बाबा जी के नाम से पहला नाम, जब लक्ष्मण नारायण प्रसाद शर्मा के बाद पहला नाम तलैया वाले बाबा जी पड़ा। घर वालों को पता चला, पिताजी ने घर बुलाया, गृहस्थी जीवन जिया। पहली संतान पैदा हुई अनेक सिंह 1915 में, दूसरी संतान और तीसरी संतान दो, एक बेटी हैं, एक धर्मनारायण शर्मा उनके पुत्र हैं। धर्मनारायण शर्मा और अनेक सिंह अभी हमारे बीच नहीं है और विजया देवी जी हैं। तो दोस्तों बाबा जी फिर भ्रमण करने लगे और हमारे लिए ही यहाँ आए। सन 1935 में बाबा जी नैनीताल आए और 1950 से 52 के बीच में हनुमानगढ़ी बनाया, 3 किलोमीटर दूर नैनीताल के पास में। और उसके बाद भूम्याधार, सब कहते हैं कि सर्वप्रथम बाबा जी नैनीताल तो आए थे लेकिन भूम्याधार पे आए थे। पहला मंदिर हनुमानगढ़ी बनाया 1950 से 52 में, दूसरा मंदिर बनाया भूम्याधार 1962 के समथिंग और सन 1964 के समथिंग 15 ये कैंची धाम बनाया और सन 1965 के समथिंग काकरीघाट बनाया। खास बात कि ये चार के चार मंदिरों की स्थापना 15 जून के ही दिन हुई है, तो 15 जून के दिन स्थापना दिवस के रूप में पर कैंची धाम में विशाल भंडारा का आयोजन होता है और विशाल मेला लगता है। जिस बाकी दोस्तों बाबा जी की अनेक लीलाएँ, कृपाएँ, स्टीव जॉब, मार्क जुगलबर्ग, जूली रॉबर्ट, हॉलीवुड नाम याद आ गया, तो ये सब कलाकार लोग आए थे और मार्क जुगलबर्ग दो कुछ दिन रहने आए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानियाँ और लीलाएँ कपाएँ आपको किताबों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलती होंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी आप सिर्फ एक विश्वास से, चाहे आप कैंची धाम आए हैं, हनुमानगढ़ी आए हैं या कभी आपको बाबा जी, जिस दिन आपको बाबा जी बुलाएं उस दिन आप आएँ, बस आपको क्या करना है, एक विश्वास बना के रखना है। जिस तरीके से आप विश्वास बना के रखेंगे आपके सारे काम सिद्ध होंगे, हमारे हुए हैं आपके लिए। सिद्धि माँ अल्मोड़ा की रहने वाली थी, तुला शाह करके उनके शायद हस्बैंड का नाम था, बचपन से ही वो अध्यात्म में जुड़ी हुई थी। तो नैनीताल उनका विवाह हुआ तो नैनीताल आ गई। तो बाबा जी जब हनुमानगढ़ी में रहा करते थे तब वो इशारा क्या करते थे, यहाँ कात्यानी रहती है, कात्यानी रहती है। तो इस तरीके से सिद्धि माँ का जो दूसरा नाम है जो बाबा जी ने रखा था वो कात्यानी के रूप में भी कहा जाता है। तो सिद्धि माँ जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो उस समय से फिर बाबा जी के ही साथ रहने लगी। आज बाबा जी की जिसने भी सेवा करी वो सिद्धि माँ थी। अपना सारा दायित्व बाबा, मतलब ये गद्दी बोलते हैं, गद्दी वो सिद्धि माँ को सौंप के गए थे। कहा जाता है जब बाबा जी सन 1973 में, जब बाबा जी ने समाधि ली थी 11 सितंबर 1973 को, तो वो 10 सितंबर 1973 को कैंची धाम से गए थे। तो एक डायरी में राम राम लिखा करते थे, तो उन्होंने 10 तारीख की डेढ़ डाली राम राम लिखा और 11 तारीख की डेढ़ डाली राम राम लिखा और उसके बाद सिद्धि माँ को दे दी और सिद्धि माँ से बोला अब ये तेरा काम है, मतलब अपने सारे काम बाबा जी सिद्धि माँ को देने चले गए। सिद्धि माँ की सेवा करी जया दीदी ने, जया दीदी आज भी
कैंची धाम में आपको मिल जाएंगी। कभी अगर आप आएंगे तो पूछ लीजिएगा वहाँ, वहाँ आप जया दीदी से मिल सकते हैं। वैसे तो जया दीदी, जया दीदी के बाद में बारे में अभी मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। एक किताब उन्होंने निकाली है जया दीदी ने, वो किताब आप पढ़ सकते हैं, नाम में अभी। बाकी जोशी जी कौन है? जोशी, विनोद जोशी जी भी बचपन से बाबा जी के साथ रहे हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे, एक बार विनोद जोशी जी से जब मैं जब मिला था तो उन्होंने एक प्रसंग बताया था कि अल्मोड़ा में, वो लखनऊ में वो थे तब, बाबा जी से कुछ मिले थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था मुझे, मैंने बना रखा है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक बार जोशी जी कैंची धाम आ गए तो बाबा जी ने उनको रोक लिया, जबकि उनके पेपर स्टार थे एक दो दिन बाद, तो बाबा जी ने उनको 5 दिन रोक लिया, शायद ज़्यादा दिन रोका। तो वो जब गए तो उन्हें पता चला कि जो उनके पेपर थे वो 15 दिन आगे हो गए। तो इस प्रकार से लीला, एक बार बाबा जी कहीं धूप छाया हुआ छाता वाली भी उन्होंने बताया था। बहुत सारे प्रसंग हैं, जोशी जी भी ही बाबा जी के बचपन से साथ रहे हैं और विवाह तक नहीं किया है जोशी जी ने, और समर्पण है पूरा। आज अगर मैं कहूँ बाबा जी से जुड़े भक्तों की अगर मैं बात कहूँ तो उनमें से जया दीदी, जोशी जी और बहुत सारे लोग, ये सब उन्हीं में से एक हैं। जन्नत, मैंने कभी इतनी खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी। तो गाइज अभी हम घूम कर आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा ट्रस्ट में जो आज हम सारी जगह घूमे भैया के साथ। इन्होंने मतलब स्पेशली अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो शायद हमें वो जगह नहीं पता लगती। हम लोग आने के टाइम पे उस जगह से होके निकले, वहाँ से हम लोग जब वहाँ से निकले तो हम लोग, मैंने स्पेशली वहाँ पे देखा, मैंने यार किसी भी मंदिर के आगे बाबा जी का नाम लिख दिया लोगों ने, यार जरा सा एक छोटा सा मंदिर था, यार इसकी क्या वो जरा सा मंदिर है उसके आगे बाबा जी का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल कल ठीक उस जगह से निकले हम लोग, और हमें नहीं पता था कि वो जो जरा सा मंदिर में सोच रहा हूँ वो जरा सा मंदिर बाबा जी का धाम है और जन्नत है। जो लोगों ने, लोगों को नहीं पता, लोगों को सिर्फ कैंची धाम पता होगा क्योंकि उस मंदिर में बाबा जी रुके थे और वहाँ की जो पीछे उनका रूम है, कुटिया बनी हुई है, वहाँ पर कोई कोई मतलब जिसको पता होगा वो जाते होंगे। हमें ऐसे, हम अपनी गाड़ी से जाते हैं अगर घूमने तो हमें बिल्कुल पता नहीं लगता, लेकिन भैया ने हमको बोला कि बंडी जी को बोलना कि वो अंदर कुटिया के दर्शन कराएंगे। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने वहां पर बनाया नहीं वीडियो, लेकिन हम दर्शन करके आए। कल लोग निकले यहां से, मैं बोल भी रही हूं यार यहां पे देखिए, मुझे लग रहा था कि नहीं हम लोग आरती अटेंड कर ले वहां पहुंच जाएंगे, बस 2 किलोमीटर तो है यहां से, दिख रहा था उसके अंदर कि हां बस 4-5 मिनट का रास्ता रह गया तो पहुंच जाएंगे, मुझे लगा शायद वहां पे पहुंचेंगे वहां पे रुक जाएंगे, लेकिन बस जो लिखा था किस्मत में लिखा था। तो गाइस ये हैं भैया जिसके साथ, जिनके साथ आज हमने बहुत एंजॉय किया और इन्होंने जो जो आज हमें दर्शन कराए ना, अमेजिंग, मतलब यादगार रहेगी कि मेमोरी है कि हमने आज जो जो जहां जहां घूमा हमने। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।